भाई फ्री फायर इंडिया बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, गायब हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुन तो तुम लोग एकदम सही रहे हो, क्योंकि यार फ्री फायर इंडिया कहाँ 5 सितंबर को लॉन्च होने वाला था और अब तो गाइस आज 19 अक्टूबर हो चुके हैं। फ्री फायर इंडिया का कोई अता पता है ही नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ ऐसे में तो यही लग रहा है कि फ्री फायर इंडिया से अब कुछ नहीं होगा। मुझे तो यार डेली बहुत सारे कमेंट आते हैं, जिस कमेंट में आप लोग मुझसे पूछते हो कि फ्री फायर इंडिया का लॉन्च डेट क्या है, फ्री फायर इंडिया कब आएगा, आखिर गरीना ने 5 सितंबर से अभी तक फ्री फायर इंडिया को लॉन्च क्यों नहीं किया है। अरे पत्रकार भाई, तुम्हारे इन्हीं फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग सवालों का जवाब अभी तक गरीना ने तो नहीं दे रखा है, बट हाँ आज की वीडियो में तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग A to Z सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जी हाँ तो गाइस देखो, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फ्री फायर इंडिया का 100% कंफर्म लॉन्च डेट बताने वाला हूँ, एंड फिर गाइस फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आप लोगों से आज ही शेयर करूंगा। देन तो गाइस बस इतना ही नहीं, आज तो मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, एंड काफी सारे बंदे तो मुझसे नेक्स्ट टॉप ऑफ एंड के बारे में पूछ रहे थे, इसलिए गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉप ऑफ एंड का भी रिव्यू करवा दूंगा, एंड फिर गाइस आज की वीडियो के अंदर दिवाली इवेंट के फ्री रिवॉर्ड्स का भी इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ यार हमेशा की तरह आज की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों के फनी फनी कमेंट्स को पिक कर रखा है, इसलिए गाइस एक तरीके से देखा जाए तो यार आज का वीडियो रहने वाला इम्पोर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग। तो अब क्योंकि यार अभी मैंने इतना कमाल का वीडियो बना रखा है, तो चलो गाइस अभी हम लोग इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो चलो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को टुनाइट अपडेट के बारे में बताता हूँ। जी हाँ तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो पोस्टर गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये है हमारे गेम के अंदर आने वाले आज के टुनाइट अपडेट का पोस्टर। एंड गाइस इस पोस्टर के अकॉर्डिंग हमारे गेम के अंदर कल यानी कि 20 अक्टूबर के दिन एक इवेंट आने वाला है, जिस इवेंट का नाम रहेगा फार्म वाउचर। एंड गाइस इस इवेंट के अंदर से हम लोग स्पेशल लगरोयल वाउचर्स को कलेक्ट कर पाएंगे, साथ ही साथ गाइस इसी इवेंट के अंदर से हम लोगों को एक अवतार और बैनर भी मिलने वाला है, जिसका रिव्यू आप लोगों ने अभी स्क्रीन में देख ही लिया होगा। खैर गाइस देखो, वैसे टुनाइट अपडेट का पोस्टर मैं आप लोगों को 2-3 दिन पहले ही दिखा चुका था, और ये कैसा इवेंट रहेगा ये सब भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था, बट क्योंकि भाई ये आज का हमारा टुनाइट अपडेट है तो इसलिए इस इवेंट को मैंने आज फिर से कवर कर लिया। बाकी अभी तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आज के हमारे टुनाइट अपडेट के अंदर से हम लोगों को स्पेशल लगरोयल वाउचर मिलने वाले हैं। काफी सारे बंदे कंफ्यूज होंगे कि आखिर इनका काम क्या है, तो देखो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, 21 तारीख के दिन हमारे गेम के अंदर सुबह 4 बजे एक रिंग इवेंट आएगा, ये वाउचर्स का यूज आप लोग उसी रिंग इवेंट पे कर पाओगे। अब मुझे पता है गाइस तुम लोग जानना चाहते होंगे कि 21 तारीख को ऐसा कौन सा रिंग इवेंट आने वाला है जहां पर हम लोग स्पेशल वाउचर से स्पिन कर पाएंगे, तो इसलिए तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, हम लोगों को 21 तारीख के दिन हमारे गेम के अंदर ऐसा ही एक UMPX AWM की स्किन का रिंग इवेंट देखने को मिलेगा, जहां पर गाइस हम लोगों को डायमंड के साथ साथ वाउचर से भी स्पिन करने का मौका मिलेगा, और ये वाउचर्स का तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, हम लोगों को ये वाउचर कर फ्री में मिलने वाले हैं। हालांकि गाइस मैं आप लोगों को पहले एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, गरीना बस हम लोगों को 4-5 ही वाउचर देगा, मुझे तो लगता है 4-5 से भी कम देगा। हाँ मतलब गरीना ऐसा कोई कंफर्म नहीं लिखा है कि आप लोगों को इतने वाउचर्स मिलेंगे, वो तो यार मुझे जैसा भी लीक्स वगैरह मिले मैंने आप लोगों को उस हिसाब से बता दिया। तो ऑलराइट गाइस अभी मैं आप लोगों को बातों में हमारे गेम के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में बता चुका हूँ, साथ ही साथ गाइस मैंने आप लोगों को AWMX UMP के रिंग इवेंट का भी इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो अभी तो गाइस हम लोग आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और गाइस अभी हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के बारे में। हाँ तो गाइस ये जो टॉप इवेंट अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैं आपको बताऊं तो यार अभी के टाइम पे हमारे इंडिया सर्वर के अंदर यही वाला टॉप इवेंट अवेलेबल है, जो कि गाइस 21 तारीख के दिन हमारे गेम के अंदर से रिमूव हो जाएगा, यानी कि गाइस हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर 21 तारीख की रात को 12 बजे एक नया टॉप इवेंट देखने को मिलेगा, जिस टॉप इवेंट का पोस्टर अभी आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। हां गाइस आज ही के दिन मुझे हमारे गेम की फाइल के अंदर से पोस्टर मिला है, और इस पोस्टर के अकॉर्डिंग गाइस हम लोगों को हमारे इंडिया, बांग्लादेश और सिंगापुर सर्वर के अंदर नेक्स्ट टॉप इवेंट में सबसे पहले तो एक बहुत ही कमाल की कटाना की स्किन देखने को मिलेगी, जो कि 100 डायमंड के टॉप में अवेलेबल होगी। फिर तो गाइस हम लोगों को एक मैजिकल हेड भी मिलने वाली है, जो कि 300 डायमंड के टॉप में मिलेगी। एंड इसके बाद गाइस हम लोगों को 500 डायमंड के टॉप में एक ग्लू बॉल की स्किन मिलने वाली है, 700 डायमंड के टॉप में एक शूज मिलेंगे, फिर 1000 डायमंड के टॉप में एक टी शर्ट मिलेगी, 1500 डायमंड के टॉप में एक स्कार्फ मिलेगा, जो कि यार मेरे हिसाब से तो काफी सही टॉप इवेंट है। भाई हम लोगों को 100 डायमंड के टॉप में कटाना मिल जा रही है, 500 में ग्लू बॉल, इससे अच्छा क्या ही चाहिए। वैसे गाइस मैं तो गेम के अंदर टॉप अप करता नहीं हूँ, बट अगर आप लोग टॉप अप करते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल का टॉप अप इवेंट फायदेमंद तो है, बट अगर आप लोग 500 ही डायमंड का टॉप करो तो, क्योंकि यार 500 डायमंड के टॉप में आप लोगों को हेड मिल जाएगी, कटाना की स्किन मिल जाएगी, ग्लू वॉल की स्किन मिल जाएगी, तो यार 1500 डायमंड तक टॉप अप करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अभी तो गाइस देखो मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट टॉप अप इवेंट का भी रिव्यू करवा चुका हूं। हां मतलब मैंने आप लोगों को नेक्स्ट टॉप इवेंट का पोस्टर दिखा दिया है, और आप लोगों को टॉप इवेंट में आने वाले आइटम्स के बारे में बता दिया है, इसलिए तो गाइस अभी तो हम लोग आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और गाइस अभी हम लोग इस वीडियो को थोड़ा सा फनी और थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाते हैं। जी हां गाइस, वीडियो को फनी और इंटरटेनिंग बनाने से मेरा मतलब है कि गाइस अब वक्त आ चुके हैं आप लोगों के फनी फनी कमेंट्स को पिक करने का एंड उनका रिप्लाई देने का। चलिए शुरू करते हैं। हां तो गाइस देखो, यहां पर जो हमारा सबसे पहला कमेंट है, इस कमेंट में बंदे ने लिखा है, हाथ में गिलास, गिलास में पानी, कि हाथ में गिलास, गिलास में पानी, रीना की बेटी उज्जवल भाई पे दीवानी।
वाह भाई वाह, क्या कमेंट किया यार। बट यार ये कमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यार मैंने आज ही चेक किया, गरीना की कोई बेटी नहीं है। प्रैंक हो गया आपके साथ। खैर अभी गाइस ये सब छोड़ो, हम लोग अगले कमेंट की बात करते हैं। इस कमेंट में बंदे ने एक शायरी लिखी है कि अर्ज किया है ना इस करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, कि ना इस करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी शायरी मेरी मर्जी। वाह भाई, कैसे कैसे कमेंट करते हो यार तुम लोग, पहले शायरी लिखते हो और फिर बोलते हो कि मैं नहीं बता रहा, मेरी मर्जी, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। खैर अभी गाइस तुम लोग यहाँ पर हमारा तीसरा कमेंट देखो, जिस कमेंट में ही बंदा लिखता है हाँ तो डार्लिंग हम कोई ऐरे गेरे नहीं बल्कि शायर है, कि हाँ तो डार्लिंग हम कोई ऐरे गेरे नहीं बल्कि शायर है, क्योंकि हमारी मोहब्बत कोई लड़की नहीं बल्कि फ्री फायर है। हाय हाय वाह भाई वाह, क्या शायरी लिखी है यार, मजा आया। खैर फिर तो गाइस देखो आज हमारे एक सब्सक्राइबर का बर्थडे भी है। हाँ यार आप लोग इसका कमेंट स्क्रीन में देख सकते हो, ये बंदे ने कमेंट में लिखा है टुमारो इज माय बर्थडे, इसलिए भाई तुमको हैप्पी बर्थडे। तो फिलहाल गाइस अभी तो हम लोग आज के इस कमेंट के सिलसिले को यहीं पर ही एंड करते हैं। हाँ यार मुझे कल कुछ ज्यादा खास फनी कमेंट नहीं आए थे, इसलिए मैंने आज ज्यादा कमेंट भी पिक नहीं करे। बट गाइस देखो कल मैं बहुत सारे कमेंट पिक करने वाला हूँ, इसलिए यार अगर तुम लोग चाहते हो कि कल की वीडियो में तुम्हारा कमेंट भी पिक करूं, तो उसके लिए तो गाइस सबसे पहले आप लोग आज के इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड क्योंकि यार मैं अपने सब्सक्राइबर्स का कमेंट पिक करता हूं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड बस गाइस फिर आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे जाके मस्त सा एक कमेंट कर देना है, फिर अगर गाइस मुझे तुम्हारा कमेंट फनी लगा मस्त लगा तो मैं तुम्हारा कमेंट जरूर कल की वीडियो में पिक करूंगा। तो ऑलराइट गाइस अभी तुम लोग कमेंट कर देना, तब तक लिए तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और गाइस अभी हम लोग बात करते हैं फ्री फायर इंडिया की ऑफिशियल कंफर्म लॉन्च डेट के बारे में। हाँ तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो जो हमारा नेक्स्ट OB42 अपडेट है वो 31 अक्टूबर के दिन आएगा, तो इसलिए गाइस अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है कि 31 अक्टूबर को ही फ्री फायर इंडिया लॉन्च होने वाला है। जी हां गाइस अभी के टाइम पे एक पोस्टर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो पोस्टर आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। यार ये पोस्टर एकदम ऑफिशियल पोस्टर की तरह लग रहा है, एंड इस पोस्टर में लिखा हुआ है फ्री फायर इंडिया नाउ रेडी टू डाउनलोड ऑन 31 अक्टूबर। अब देखो गाइस इसको देख के तो साफ साफ लग रहा है कि यार 31 अक्टूबर को फ्री फायर इंडिया लॉन्च हो जाएगा, बट भाई मैं तुमको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक फेक पोस्टर है जिसे पता नहीं किसने एडिट किया है। बाकी यार जिस हिसाब से मेरे को लीक्स वगैरह मिल रहे हैं, तो यार मैं आप लोगों को बता दूं फ्री फायर इंडिया 1 नवंबर को लॉन्च होगा। हाँ यार ये 31 अक्टूबर फेक डेट है, बट हाँ अभी जो कंफर्मेशन निकल के आ रही है वो 1 नवंबर के लिए निकल के आ रही है। तो ऑलराइट गाइस देखो अभी मैंने आप लोगों को फ्री फायर इंडिया लॉन्च डेट के बारे में तो बता दिया है, मतलब मैंने डायरेक्टली ही तुमको फ्री फायर इंडिया का लॉन्च डेट बता दिया है, इसलिए तो गाइस अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और गाइस अभी मैं आप लोगों को दिवाली स्पेशल अपकमिंग कुछ फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में बताता हूँ। हाँ तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो पोस्टर गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो ये हमारे दिवाली सेलिब्रेशन इवेंट का पोस्टर है। एंड गाइस इस पोस्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों को इस बार के दिवाली इवेंट में ऑटो रिक्शा फ्री मिलने वाला है इंडिया सर्वर के लिए, यानी कि गाइस इस बार के दिवाली इवेंट में हम लोग ऑटो रिक्शा की एक नई स्किन को फ्री में ले पाएंगे। बाकी वैसे गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो ये दिवाली का जो ऑटो रिक्शा वाला इवेंट है आज से लगभग 2 साल पहले भी हमारे गेम के अंदर आया था, और भाई उस टाइम पे भी हम लोगों को दिवाली में सेम ही ऑटो रिक्शा की स्किन फ्री मिली, एंड यार इस बार भी हम लोगों को वही वाली ऑटो रिक्शा की स्किन फ्री मिलने वाली है। तो ऑलराइट गाइस देखो अभी मैंने आप लोगों को दिवाली स्पेशल एक फ्री इवेंट के बारे में बता दिया है, इसलिए तो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और गाइस अभी हम लोग बात करते हैं दिवाली स्पेशल फ्री इमोट इवेंट के बारे में। हाँ तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो इवेंट गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो यही है हमारा दिवाली स्पेशल फ्री इमोट इवेंट। और यार मैं आप लोगों को बताऊं तो इस इमोट इवेंट के अंदर गाइस टोटल 4 इमोट अवेलेबल है, जिसमें से पहला इमोट है पुशअप इमोट, दूसरा है ये भंगड़ा इमोट, फिर इसके बाद तो यार यहाँ पर 2 और इमोट अवेलेबल है जिसमें से एक है थ्रेडन इमोट और दूसरा है डेथ ग्लेयर इमोट। अब यार वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं ये चारों ही इमोट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बट गाइस इस बार के दिवाली इवेंट में ये चारों इमोट एक लॉगिन इवेंट में आएंगे, जहाँ पर गाइस हम लोग सिंपली लॉगिन करने पर इन चारों में से कोई से भी एक इमोट को फ्री में क्लेम कर सकते हैं। हाँ भाई बहुत ही सिंपल इवेंट रहेगा। तो अगर गाइस अभी मैं आप लोगों को इस इवेंट के रिगार्डिंग अपने हॉनेस्ट रिव्यू दूं, तो भाई मुझे तो ये इवेंट बहुत अच्छा लगा। हाँ यार इस इवेंट के अंदर से एक इमोट मिलने वाला है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात तो क्या ही हो सकती है। तो बाकी तो गाइस देखो फिलहाल अभी मैंने आप लोगों को ये फ्री इमोट इवेंट का सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, इसलिए गाइस आप लोग भी मुझे कमेंट से बताना कि आपको ये फ्री इमोट इवेंट कैसा लगा। खैर बाकी तो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यार अभी मैं आप लोगों को दिवाली स्पेशल एक और इवेंट के बारे में बताता हूँ। जी हाँ तो गाइस देखो जब भी हमारा दिवाली इवेंट आता है तो उस टाइम पे करीना एक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो को रिलीज करता है, जिस म्यूजिक वीडियो में करीना कुछ व्यूज के टारगेट देता है। एंड यार जैसे ही हम लोग व्यूज के टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो हम लोगों को रिडीम कोड भी मिलता है। अब देखो गाइस अगर हम लोग इस बार के दिवाली इवेंट की बात करें तो भाई इस बार के दिवाली इवेंट में भी एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है, जो कि यार एमेजोनी सर का रहेगा। एंड गाइस पूरा 100% कंफर्म है कि हम लोगों को एमेजोनी के म्यूजिक वीडियो के अंदर भी व्यूज के टारगेट मिलेंगे। हालांकि गाइस देखो करीना ने अभी तक कुछ भी नहीं बता रखा है कि जो एमेजोनी सर का म्यूजिक वीडियो आएगा उसमें हम लोगों को क्या व्यूज के टारगेट मिलेंगे और उन व्यूज के टारगेट को कंप्लीट करने पर हम लोगों को क्या रिडीम कोड मिलेगा। बट गाइस अभी तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसे ही गाइस मुझे अपकमिंग रिडीम कोड के बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। इसलिए गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। अब मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से कल की वीडियो में नए नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।